स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में यूरिन कितना सिक्रीट होता है? डेली यूरिन का जो सिक्रीशन है वो होता है 1 to 1.2 लीटर सिक्रीट होता है, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होता है वो होता है लगभग 180 लीटर पर डे। तो ये है हमारा ग्लोमेरुलर, दिस इज बोमन कैप्सूल, और इसको मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, मैं जस्ट एक सिंपल ये बता रही हूँ आपको कि यहाँ से होता है यूरिन का सिक्रीशन, यूरिन, और यहाँ पे हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो रहा है इन दी बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल में एफरेंट आर्टेरियोल आती है और इफरेंट जाती है, और यहाँ पे इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसका नाम है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ये जो फिल्ट्रेशन है ये फिल्ट्रेशन हमारा होता है 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे इज अ फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेशन हो रहा है इतना। लेकिन यूरिन जो रोज का बन रहा है वो है हमारा 1 to 1.2 लीटर पर डे। तो 1 to 1.2 लीटर पर डे इज यूरिन एक्सक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन इज देयर। इसका मतलब ये है कि 180 तो फिल्टर हुआ लेकिन यूरिन में हमारा सिर्फ 1 to 1.2 ही आया। इसका मतलब ये है कि 99% जो फिल्टर हो रहा है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो रीअब्सॉर्ब होके कहाँ जाता है? वापस ब्लड में। यहाँ पे फिल्टर किस चीज़ का हो रहा है? ब्लड का ही फिल्ट्रेशन हो रहा है। ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, और ब्लड ही फिल्टर होके फाइनली यूरिन बनाता है, ठीक है। और ये जो फिल्टर हुआ है ये फाइनली कहाँ एब्जॉर्ब होता है? ब्लड में ही एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, इस इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांच होती है, और मैंने इसको स्ट्रेट बना दिया, लेकिन ये एक्चुअली में पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। इस बोमन कैप्सूल, ये जो आपका पूरा नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के चारों तरफ ये बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होकर पेरिटूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। बट मैंने समझाने के लिए इसको एक जस्ट सिंगल बना दिया है जिससे कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। तो ये हमारा है एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, और ये है हमारी इफरेंट आर्टेरियोल। ये होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो अब जो भी कोई एक्सचेंज होना है फिल्ट्रेटेंट का वो इन दोनों के बीच में होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो छनती हैं, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर छन जाती हैं एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे नहीं छनती, प्रोटीन यहीं की नहीं रहती है या फिर ब्लड में वापस चली जाती है इधर ही, मतलब ये नहीं छनती है आपकी। ये जो जहाँ पर जो चीज़ आई है उन्हें हम कह रहे हैं फिल्ट्रेट। तो हम इस जो हमारा पूरा यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन में तीन मेजर प्रोसेस होती हैं। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्सॉर्प्शन, और थर्ड होता है सिक्रीशन। तो जो भी यूरिन फॉर्मेशन है वो इन तीन हेडिंग्स के अंदर ही होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये जो प्रोसेस है, यहाँ से जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बोमन कैप्सूल, दिस इज बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बोमन कैप्सूल में जो चीज़ें छन के आएंगी वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारी चीज़ें नहीं छनती, जैसे प्रोटीन है यहाँ पे, तो प्रोटीन यहाँ पे नहीं छनेगी, तो स्पेसिफिक चीज़ें छनती हैं, इसलिए ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। यहाँ पर जो पोर्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं छन सकते, तो इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो काम की आ गई हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फॉस्फेट है, और सॉल्ट भी है हमारे, सोडियम क्लोराइड। ये सारी काम की चीज़ें हैं जो हमें यूरिन में हमें एक्सक्रीटेड नहीं चाहिए। उसका कुछ पार्ट तो आता है पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम इसको वापस ब्लड में लेना चाहते हैं। इसको ब्लड में वापस लेने के लिए यहाँ से इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में वापस उन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और क्योंकि ये दोबारा रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, दोबारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो ये प्रोसेस है हमारी रीअब्जॉर्प्शन, ये हो गई फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन में भी कौन सा फिल्ट्रेशन है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज फर्स्ट प्रोसेस. रीअब्सॉर्प्शन इज वट एवर फिल्ट्रेट इज हेयर इन द नेफ्रॉन, दिस इन द बोमन कैप्सूल, इन द पीसीटी पार्ट, डीसीटी पार्ट, पीसीटी, ल्यूम्प ऑफ हेनले, हर जगह से एब्जॉर्प्शन हो सकता है और स्पेसिफिक पार्ट से स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन होता है. तो नेफ्रॉन से पेरिटिबुलर कैपिलरी में जो जा रहा है वो प्रोसेस है रीअब्सॉर्प्शन. अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिल्टर नहीं हुई, हम चाह रहे हैं उनको, हम वो वापस मैक्सिमम अमाउंट में यूरिन में चली जाए, तो उसको हम इस जगह से वापस इस नेफ्रॉन के अंदर वापस सिक्रीट कर दिया जाता है, जिससे कि वो यूरिन में ज़्यादा अमाउंट में आ जाए. जैसे कोई ड्रग है या एचआयन है, क्योंकि हमें यूरिन एसिडिक चाहिए होता है, बॉडी में एचआयन कम करने के लिए हम एचआयन को भी सिक्रीट करते हैं. पोटेशियम को भी सिक्रीट किया जाता है, पोटेशियम एब्जॉर्ब भी होता है, सिक्रीट भी होता है. पोटेशियम है, एचआयन है, ड्रग्स हैं, और या फिर कोई एक्सेस में अमाउंट में रह गया है अगर, तो भी हम उसको सिक्रीट कर सकते हैं. तो ये थर्ड प्रोसेस है हमारी, सिक्रीशन. अब थ्री प्रोसेस हो गए हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. फाइन. और 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट है, 99% रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है और 1 टू 1.2 लीटर पर डे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये 180 लीटर पर डे इज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ये 180 लीटर पर डे होता है या 125 ml पर मिनट है. दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इन तीनों प्रोसेस में अलग अलग किस किस पार्ट से कौन कौन से सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब और सिक्रेटेड होते हैं. तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है, सबसे पहला पार्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में किस किस चीज़ का फिल्ट्रेशन होता है? सोडियम का फिल्ट्रेशन होता है, पोटेशियम का फिल्ट्रेशन होता है, क्लोराइड का फिल्ट्रेशन होता है, बाइकार्बोनेट का होता है, ग्लूकोज का होता है, अमीनो एसिड्स का होता है. तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो सकता है. यू कैन से ऑल एक्सेप्ट प्रोटीन्स. प्रोटीन्स इसमें फिल्टर नहीं होती, नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन फिल्टर नहीं होती, पर कुछ डिजीजेज के केस में प्रोटीन इसमें फिल्टर हो सकती है. तो नॉर्मली प्रोटीन फिल्टर नहीं होती, ज़्यादातर चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं, सोडियम फिल्टर, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी इसमें हो जाती हैं, लैक्टेट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फिल्टर्ड एक्सेप्ट प्रोटीन. प्रोटीन फिल्टर नहीं होती. प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर होती? एक तो प्रोटीन का साइज़ ज़्यादा है, दूसरा क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर की मेम्ब्रेन है, ये बेस जो यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है और हमारी जो प्रोटीन है उस पर भी निगेटिव चार्ज होता है. प्रोटीन कहाँ पर है? ये ब्लड के अंदर है प्रोटीन, तो इस प्रोटीन पर भी निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी निगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इसलिए नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन हमारी फिल्ट्रेट में नहीं आती. लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें किडनी पे इफेक्ट हो रहा है और ये निगेटिव चार्ज लॉस हो जाता है, तो ये प्रोटीन यूरिन में आ सकती है, या फिर किसी वजह से यहाँ पर इसकी परमियाबिलिटी बढ़ गई है, या कोई डिजीज़ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे डिजीज़ होती है, तो उसमें ये यूरिन में आ सकती है. ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हैं, सब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सारी चीज़ें आ रही हैं एक्सेप्ट दी प्रोटीन्स. उसके बाद आता है हमारा सेकेंड प्रोसेस, रीअब्सॉर्प्शन. तो रीअब्सॉर्प्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जो रीअब्सॉर्ब होती हैं और किस किस पार्ट में रीअब्सॉर्ब होती हैं? तो हम मेजर चीज़ें जो होती हैं, ये देखिए, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल इस पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बना रहा है. ये नेटवर्क सारे में होगा, हर पार्ट में इस तरह से ये अपनी लूप बना के पूरे में फैली रहती है. तो अगर इसको इस नेफ्रॉन से कुछ लेना है तो रीअब्सॉर्प्शन कर सकती है, कुछ इसमें डालना है तो उसको सिक्रीशन कर सकती है. तो हम उसके पहले पढ़ेंगे रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस. सबसे पहले बात है यहाँ पर पीसीटी पार्ट. तो पीसीटी में किस किस चीज़ का रीअब्सॉर्प्शन होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे सोडियम के साथ ग्लूकोज का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, तो इसमें सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सी टी का मतलब है को ट्रांसपोर्टर, ये ट्रांसपोर्टर है, प्रोटीन है मतलब एक ये. तो सोडियम और ग्लूकोज दोनों का रीअब्सॉर्प्शन साथ साथ होता है, यानी कि यहाँ से कहाँ हो रहा है रीअब्सॉर्प्शन, मतलब ट्यूब्यूल से
इस ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें वापस चली जाती हैं, तो इसी को हम रीअब्सॉर्प्शन बोल रहे हैं। ट्यूब्यूल से कहाँ जा रही है, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में, और फाइनली फिर वो ब्लड में मिल जाएंगी क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए। तो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज के साथ, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। दूसरा ट्रांसपोर्टर यहाँ पर है सोडियम के साथ अमीनो एसिड का भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो यह है सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन है और ग्लूकोज का भी अपटेक हो रहा है। तीसरा है सोडियम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको PI से लिखते हैं हम, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसका भी को ट्रांसपोर्टर है, जिसके उससे जैसे इसमें सोडियम का अपटेक हो रहा है और ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है। अपटेक माने लेना, यानी कि नेफ्रॉन से ब्लड में लिया जा रहा है, ऐसे ही सोडियम का अपटेक हो रहा है, अमीनो एसिड का अपटेक हो रहा है, सोडियम का अपटेक हो रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का अपटेक होता है, ठीक है। तीसरी यहाँ पर एक चीज़ होती है, अगली चीज़ होती है सोडियम एच आयन एक्सचेंजर, एक्सचेंजर। मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वीडियो में बताया था कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो को ट्रांसपोर्ट भी होते हैं और एंटीपोर्ट भी होते हैं। को ट्रांसपोर्ट का मतलब है दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, और एंटीपोर्ट का मतलब है एक एब्जॉर्ब हो रही है, दूसरी सिक्रीट हो रही है, ठीक है। तो सोडियम एच आयन एक्सचेंजर का में क्या होता है, सोडियम का अपटेक होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी सोडियम अपटेक हो रहा है और पोटेशियम का सिक्रीशन हो रहा है। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा है ट्यूब्यूल नेफ्रॉन और ये हमारी है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, तो इसमें यहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ से एच आयन का सिक्रीशन हो रहा है, और ये है हमारा ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टर एक्चुअली यहाँ पर होता है नेफ्रॉन की वॉल पे होता है ट्रांसपोर्टर, ये प्रोटीन है ट्रांसपोर्टर। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और एच आयन का सिक्रीशन हो रहा है, तो वो एंटीपोर्ट हो गया। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लूकोज के लिए, तो यहाँ पे जो सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है उसमें सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और ग्लूकोज का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये सोडियम और ग्लूकोज दोनों का ही रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, फाइन। तो सिंप्लीफाइड आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेफ्रॉन से सोडियम और ग्लूकोज दोनों साथ आ रहे हैं, तो एक को ट्रांसपोर्टर हो गया, दिस इज को ट्रांसपोर्टर, और ये क्या हुआ एंटीपोर्टर, एंटीपोर्ट, एंटीपोर्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ सकते हो आप कि एक तरह से आप सिंप्लीफाइड याद कर सकते हो कि सोडियम के साथ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जा रही हैं एक्सेप्ट एच आयन, एच आयन जो है वो सिक्रीट हो रहा है, बाकी सोडियम के साथ ग्लूकोज, सोडियम के साथ अमीनो एसिड, सोडियम के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सोडियम के साथ क्लोराइड भी चला जाता है, पर वो पैसिव होता है बेसिकली। दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ये सॉल्ट सब जाते हैं तो वाटर, वाटर भी सॉल्ट के साथ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी पैसिव प्रोसेस है ऑस्मोसिस, जिसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, इन सब में एनर्जी यूज़ हो रही है क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। तो जैसे ये एब्जॉर्ब होंगे तो यहाँ पे प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की बढ़ जाएगी, यहाँ पर कम होने लगेगी। तो जैसे ही सॉल्ट जाएंगे, इन सॉल्ट के साथ साथ पानी का एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो गया, ओके। बट ये होता है बाय ऑस्मोसिस, जो कि पैसिव प्रोसेस है, ओके। अब इसके बाद है लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट हैं, एक है डिसेंडिंग लिम, एक है असेंडिंग लिम। असेंडिंग लिम को दो में डिवाइड करते हैं, ये है थिन असेंडिंग लिम, ये है थिक असेंडिंग लिम, थिन असेंडिंग लिम और थिक असेंडिंग लिम, और ये है डिसेंडिंग लिम। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ये है हमारी डिसेंडिंग लिम, और ये है हमारी असेंडिंग लिम। इसमें भी स्पेशली यहाँ पर ट्रांसपोर्टर होता है थिक असेंडिंग लिम में, थिक असेंडिंग लिम में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर है। उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर डिसेंडिंग लिम में क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं। ये जो डिसेंडिंग लिम है ये वाटर के लिए परमिएबल होती है, बट सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल का मतलब वो सॉल्ट को नहीं जाने देती और वाटर को जाने देती है। तो यहाँ से
वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन सॉल्ट का इस थिन डिसेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और इसका उल्टा होता है असेंडिंग लिम्ब में। ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब है, पूरी असेंडिंग भी ये भी थिक भी, तो ये जो होती है बेसिकली दे आर परमिएबल टू सॉल्ट एंड इम्परमिएबल टू वाटर। मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं होने देती लेकिन सॉल्ट को एब्जॉर्ब होने देती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर है वॉल में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर होते हैं, और इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक साथ तीन आयन जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम और दो क्लोराइड आयन। तो इसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर। ओके, इसमें से ये आपने ऐसे एरो बनाया, इसका अंडरस्टूड मीनिंग है कि जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है वो यहाँ पे भी होगा, तो ये नेफ्रॉन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में ये सॉल्ट सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है। तो इसमें जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, वाटर का। थिक असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सोडियम पोटेशियम और टू क्लोराइड का। यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ किसी भी सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता थिक डिसेंडिंग लिम्ब में। तो सबसे पहले हमारा पीसीटी में हो गया एब्जॉर्प्शन, ज़्यादातर चीज़ों का एब्जॉर्प्शन जो है ऑलमोस्ट 80% चीज़ों का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर, मतलब ये बाकी सारे 60-65 एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्लूकोज यहाँ पर 100% एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन 100% पीसीटी में हो जाता है, पीसीटी के बाद ग्लूकोज नहीं होता है इसमें नॉर्मली। तो ग्लूकोज का 100% एब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रहा है, और यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ऑलमोस्ट 85% एब्जॉर्प्शन वाटर का हो जाता है। तो वाटर का 85% एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है याद रखना, बाकी परसेंटेज हम नहीं याद रखेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का 100% एब्जॉर्प्शन है और वाटर का 85% एब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इन द पीसीटी, और ये किसी भी हार्मोन से अफेक्टेड नहीं होता। जैसे अभी कुछ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे वाटर का कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट है ये पोर्शन, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और ये होता है 15%, लेकिन ये अफेक्टेड होता है बाय दी एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन, जो कि पोस्टर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ADH ये इसका दूसरा नाम है, वैसोप्रेसिन। तो अगर ADH की कमी हो जाए तो सिर्फ ये 15% वाटर का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा, ये 85% अफेक्टेड नहीं होगा। जो PCT में वाटर का एब्जॉर्प्शन 85% हो रहा है वो अफेक्टेड नहीं होगा, सिर्फ 15% वाटर का एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ADH का अफेक्ट जो है इस 15% वाटर पे होता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब हो गया हमारा वाटर के लिए परमिएबल और सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल, असेंडिंग का हमारा हो गया सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है, इस ट्रांसपोर्टर से एक सोडियम एक पोटेशियम और दो क्लोराइड जाते हैं, और ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हमारा पोर्शन है DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बाकी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन आपका सोडियम का थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत क्लोराइड का भी होता है, पर बहुत कम परसेंट में होता है। मेजर ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पोटेशियम का भी सिक्रीशन होता है, यहाँ पर HIN का भी सिक्रीशन हो रहा है। ये एरो सिक्रीशन के लिए है, तो ये आप कहाँ से ला रहे हैं, ये यहाँ से कह सकते हो, इसको ऐसे कह सकते हो आप। मीन्स पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जहाँ पे ब्लड है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से जो भी फिल्ट्रेट है, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ये जो यहाँ चला रहा है ट्यूब्यूल में वो फिल्ट्रेट है पूरा। तो फिल्ट्रेट से ये फिल्ट्रेट है और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से ये फिल्ट्रेट में ऐड होते हैं। यहाँ पर अगर ज़्यादा है पोटेशियम का कुछ एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे भी हो जाता है, यहाँ पे भी पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन पोटेशियम का है वो यहाँ पे हो जाता है, लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन ये पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम का सिक्रीशन जो है इसको बैलेंस करने के लिए होता है हमारा DCT में। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पोटेशियम का और HIN का सिक्रीशन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कलेक्टिंग डक्ट इंपॉर्टेंट है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो सिक्रीशन के लिए हम दो चीज़ें हमारे पास हैं, सिक्रीशन मेनली जो होता है वो PCT में होता है और ये होता है DCT में। PCT में एक तो हमने यहीं पढ़ा है HIN का सिक्रीशन होता है, दूसरा कुछ चीज़ें और हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, अमोनिया का सिक्रीशन भी यहाँ पर होता है, क्रिएटिनिन का सिक्रीशन यहाँ पे होता है,
ओके और यहाँ पे हमारे कोई भी ड्रग्स है, तो ड्रग कोई भी जैसे कोई पॉइजनस ड्रग या कोई भी मेडिसिन है नॉर्मल, जिसका जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है ड्रग का, वो भी यहाँ पे सिक्रेटेड होती है, जिससे कि वो यूरिनरी फिल्ट्रेट में ही चला जाए और बॉडी को अफेक्ट ना करे। तो कोई भी HIN हो गया, अमोनिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया और ड्रग्स, इनका सिक्रीशन PCT में होता है। और DCT में स्पेशली HIN का भी होता है, पोटेशियम का भी होता है और थोड़ा बहुत अमोनिया का एक्सक्रीशन भी यहाँ पे, ये हमारा जो DCT पोर्शन है, डिस्टल कन्वोलूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे सिक्रीशन इनका होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इज अंडर द 3 हेडिंग्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रीशन। सो यू शुड नो, यू शुड बी एक्सप्लेन दैट व्हाट आर द, पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड थिंग दैट फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टू द कैपिलरी, दिस इज अ फिल्ट्रेशन। From the glomerular capillary to the Bowman capsule is filtration. From the this glomerular filtrate or nephron to the peritubular capillary network, that is reabsorption. From the peritubular capillary network to the filtrate is the secretion. ये हमने ऐसे बनाया हुआ, ये पूरे part होता है पूरे में। तो जो भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से इस फिल्ट्रेट में ऐड होता है वो होता है सिक्रीशन। तो अगर हम बात करें कि यूरिन फॉर्मेशन एक्चुअली में कोई सी सब्सटेंस का यूरिन में कंसंट्रेशन देखनी है, तो जो यूरिन में कंसंट्रेशन है उसकी, किसी सब्सटेंस की, वो कैसे देखोगे? फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, क्योंकि फिल्ट्रेट से जो हो रहा है वो यूरिन में ऐड आ रहा है, प्लस सिक्रीशन, क्योंकि सिक्रीशन से भी जो हो रहा है वो यूरिन के लिए ऐड हो रहा है, इसमें आ रहा है, माइनस री एब्जॉर्प्शन। क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन से ये ब्लड में चला गया, ये यूरिन में नहीं आएगी वो चीज। तो किसी भी सब्सटेंस की यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए हम कह सकते हैं कि इसका फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, उसमें ऐड कर दो सिक्रीशन और माइनस रीएब्जॉर्प्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट।